देशवासियों द्वारा हमारे सेना की टुकड़ी काम से छुट्टियां लेकर के जा रहे थे। 2500 के आसपास में जवान थे, अलग अलग गाड़ियों में थे। आतंकवादियों द्वारा एक कार में विस्फोटक पदार्थ रख करके और वो आतंकवादी पाकिस्तान में प्रशिक्षित होकर के और पाकिस्तान द्वारा अपने देश में भेजे गए उन भाड़े के पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमारे आतंकवादी अपने सैनिकों पर हमला किया, उस कार को सैनिकों की गाड़ी से टकरा करके विस्फोट किया और उस गाड़ी में 42 जवान शहीद थे और इतना भयंकर विस्फोट था कि गाड़ी के छितरे उड़ गए तो जवानों की तो क्या कह सकते हैं। इस प्रकार का घिनौना जो कार्य क्या है, हम सब लोग पूरा देशवासी उन जवानों के साथ खड़ा है। हम सब लोग उन शहीद हुए जवानों को, उनके परिवारजनों को आत्मबल दे और हुतात्माओं को भगवान शांति प्रदान करे। हम लोग चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। हम सब लोगों को भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कहीं पर ऐसी घटना हो तो उसके लिए हमें विरोध चाहे जिस प्रकार का हमको करना पड़े वैसे हमें तैयार रहना पड़ेगा। आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जिस भाषा में जवाब देना चाहिए, आप सब लोगों ने यूट्यूब पर भी देखा होगा, आप देखें हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात के लिए चिंतित हैं। और जिस देश ने इस प्रकार शरीर चढ़ कर ऐसा कार्य कराया है, पूरी चुनौती दी है और सेना को कह दिया कि आप जितना भी कर सकते बदला लीजिए, हमारे साथ पूरी छूट है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी सेना हमको करारा जवाब दे और ये जो सैनिक हमारे मारे गए हैं उनका बदला हिसाब सही सुनता करे, ऐसा हम सब लोग चाहते हैं। और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं और इस घटना की हम भरसक सब लोग पूरा देशवासी और कोटा के वासी भी उसकी निंदा करते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आह्वान किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में कई पार्टियां हैं और करके और सफलता पूर्वक बंद करें, किसी को किसी को कहने की आवश्यकता न पड़े। यहाँ पे आए हैं वो तो भाई बाकी व्यापारी को भी आप देखते हैं कई प्रकार का बंद का आह्वान और ये बहुत दर्दनाक घटना है और दर्दनाक क्या ये देशद्रोही है। मतलब इतने समय देश के लिए युद्ध की स्थिति बड़ी हुई है, इतने सैनिक पहली बार मारे गए हैं। इसकी हम सब लोग करेंगे तो जो सैनिकों के परिवार है उनको भी संबल बनेगा और हम सब लोगों को देशवासियों को भी संबल बनेगा। यही कहकर मेरी बात करना, धन्यवाद। आप सब लोग आए इसके लिए।